हमारे साथ हैं नसीर खान। नसीर खान जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सुजानपुर। सुजानपुर कहाँ पे पड़ता है? जिला अलीगढ़। तो जो मोदी सरकार कार्य कर रही है उससे आप खुश हैं? खूब बढ़िया, दोबारा चाह रहे हैं इसी को, मोदी सरकार दोबारा आनी चाहिए। तो ऐसे कोई एक दो कार्य बताएंगे जो कि मोदी सरकार ने अच्छे किए हों? बढ़िया कार्य कर रही है, लेटरिन बनवा रही है, शौचालय रोड निकलवा रही है और गरीब जनता को राहत दे रही है। अच्छा, तो जैसे आप एक विशेष समुदाय से आते हैं, मुस्लिम हैं, तो ये सरकार ऐसा भी तो करती है कि हिंदू मुस्लिम? ना, कुछ ना राज कर रही है। आप जैसे सुजानपुर से आते हैं, सुजानपुर एक अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और जो कि अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट जाना पहचाना है AMU यूनिवर्सिटी के माध्यम से, तो उस तरीके से आपको कहीं ऐसा लगता है कि किसी तरह से कि हमारे खिलाफ कोई काम? ना, हमने कोई खिलाफ सुना नहीं है और नहीं हमने देखा। मोदी की सरकार बढ़िया काम कर रही है और रहे अपने अपने विचार जी, आपका विचार अलग है, मेरा अलग है, इनका अलग है, हमारे विचार से तो मोदी सरकार आनी चाहिए। तो आपका वोट मोदी सरकार के जी, लिए? जी हाँ। तो जैसा कि एक और मुद्दा चल रहा है अयोध्या में राम मंदिर का जी, तो आप क्या चाहते हैं, राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? तो उससे हमें कोई मैटर नहीं है, मतलब नहीं है, ना हम वहाँ नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ना हमसे तो बहुत दूर है, नमाज पढ़ेंगे तो अपने घर पढ़ सकते हैं, हमारे गाँव में मस्जिद है। हाँ, हमें उससे कोई मैटर नहीं जी, फाइनल जो सरकार करे वो मंजूर है हमें जी, वो तो सरकार का हाथ है वो तो। जैसे नहीं है, एक मैं आपके संज्ञान के लिए बता दूं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें अगर आदेश दे देता है कि वहाँ पर राम मंदिर बन जाना चाहिए क्योंकि रामलला की वो जन्मभूमि है, तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए? देखो सरकार, हम तो सरकार के हाथ है, हम तो मजदूर आदमी है, ना हमें मस्जिद के मतवल ना मंदिर के मतवल, हमारी तो पूजा पाठ अपने घर कर लियो, गांव में है हरे घरे, हम वहाँ थोड़ी जा रहे हैं। जिस तरीके लड़ाई दंगे से कोई मतलब, जिस तरीके से मैं एक बात समझ रहा हूँ कि जो मजदूर किसान और इस टाइप के लोग हैं तो उनको केवल और केवल खाने से और अपनी मजदूरी से मतलब है, ना कि किसी राजनीति से मतलब है, हमें कोई मतलब नहीं। आप क्या कार्य करते हैं? मतलब चूड़ी बेचता हूँ। चूड़ी बेचते हैं, तो दिन में कितने कमा लेते हैं? हो जाती है मजदूर 250-300 रुपये मजदूरी करते, तो मतलब अपना परिवार पालने लायक हो जाता है आपका? बच्चे मजदूरी कर लेते हैं। मैंने एक चीज़ बताइए जैसे सरकार बनवा रही है, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मोदी सरकार ने जो योजनाएं की हैं वो आप तक पहुँची हैं? हम तक कुछ ना पहुँची। जैसे कि गैस मिला, शौचालय हाँ बन रहे हो, घर पे बन रहा था पहले से, घर पे ना आप सक्षम थे शौचालय बनवा रहे हो, हाँ तो उसका लाभ आप नहीं लेना चाहते हैं। जैसे और बाकी आप खेती बाड़ी करते हैं? खेती है, मजदूरी है। तो जैसे कि यूरिया है, DAP है, जैसे पिछली सरकारों में लाइन लगा करके यूरिया DAP मिलता था, तो आपको अब क्या राहत मिली? बढ़िया क्लियर मिल रहा है, तो उसमें कोई भ्रष्टाचार आपको दिखाई दिया? भ्रष्टाचार ना, अभी तो हम मोदी सरकार चाह रहे हैं, मतलब मोदी सरकार में भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं रुका है? है ही ना। अच्छा, भ्रष्टाचार है ही नहीं? हाँ, खत्म कर दिया। सुनने में तो ऐसा आता है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वही कर रहे हैं। राहुल गांधी चिल्लाते फिर रहे हैं कि राफेल में बहुत बड़ा घोटाला किया है। कहाँ देखो, यूरिया पे खत्म कर दिया, गैस पे खत्म कर दो, जब गैस भरवाए भी जावत गए तो कैपेसिटी ना मिलती, एक आयरो 800 को दे रहे हैं 1000, अब तो सीधे अपने नंबर से फीड करो, सब्सिडी सीधा अकाउंट में आ रहा है। और बाकी पहले तो 2 बजे रात को जाके लाइन लगा के खड़ा होना पड़ता है ही ना, हमको गैस है ना और न गैस है। उस टाइम पे तो ऐसा होता था कि नंबर आने वाला है और पता चल रहा है कि सिलेंडर ही खत्म हो गया, सिलेंडर और गए मालदार तो ले आया जी, तो उस टाइम पे ऐसा था कि अगर 500 रुपए का सिलेंडर है तो 1000 रुपए दे के वो पैसे वाला लेके आ गया, मतलब एक तरह से चोरी बाजार चल रहा था वहाँ पे। अब हमारे नाम से आवे तो हम ही मिलेगा, दूसरा ला ना सके। अच्छा, जब दूसरा ले आवा तो अब मालदार आदमी बैंक में पैसा उधार डाल दे, गरीब पे है ही ना, गरीब कहाँ डालेगा। तो कहीं ना कहीं एक नोटबंदी का एक मुद्दा था, उसमें आपको तकलीफ झेलनी पड़ी थी? हम पे है ही ना, हम क्या तकलीफ सोच रहे, हम तो मजदूरी कर लें, 250-300 हम कमा लें, 250-300 बच्चा मजदूरी पे कमा लें। अच्छा,
तो नोटबंदी से आपको क्या लगा कि भ्रष्टाचार उससे रुका या नहीं रुका? देखो जी, नोटबंदी से बड़े लोग तो परेशान रहे हैं और हम तो परेशान रहे, मतलब जो शोर मचा रहे हैं वही परेशान थे, जो किसान और मजदूर लोग हैं वो कभी कोई परेशान नहीं हुआ। और क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में 2019 में सरकार किसकी बननी चाहिए? देखो, उम्मीद तो नहीं की है, और रही पब्लिक के हाथ की बात है, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल भाई, पब्लिक के हाथ की बात है, मेरी एक वोट से ना है तो तुम्हारी से ना है, नहीं, एक एक से ही, एक एक बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। अगर हम सब लोग एक प्रण लेंगे तो कहीं ना कहीं वो बात भी कामयाब होती है। तो भाई ना, क्या भाई ना, मोदी इसके सरकार के लिए रही है, तो क्या क्या इस तरीके से ही बहुमत में आनी चाहिए, तभी अच्छा कार्य कर पाएगी, बढ़िया कर रही है। ठीक ठीक, कौन सी सरकार ने तो इस तरह को दी है राहत? बिल्कुल ठीक, धन्यवाद।